हम देखिए लाइफ लाइफ जिस तरफ से जा रही है ना, हम लोगों की एक लेविश टाइप की लाइफ चल रही है, और वो फिज़िकल एक्टिविटी कम हो गई है, घर पे भी बैठे हुए हैं और फ्रिज भी मौजूद है और खाने के अलावा बड़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं और ग्रॉसरी स्टोर भी नीचे ही मौजूद है और वहाँ पर रेडी टू गो फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये जो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा अवेलेबिलिटी की वजह से भी है, और एक थोड़ा सा पता नहीं क्यों रूटीन सा बन गया है, लेकिन इट्स टू मच। पहले लोग होता था घर से निकले सुबह शाम को घर में आए, एक सुबह मील होता था जाने से, एक शाम को होता था। लोगों का एक बड़ा सवाल था कि डॉक्टर साहब, ये सारी चीज़ें तो अल्लाह ताला ने बनाई हैं, जिस तरह भी आपने भी कहा, तो अल्लाह ने तो चावल भी बनाए खाने के लिए, रोटी भी बनाई खाने के लिए, आप रोटी भी बंद कर रहे हैं, चावल भी बंद कर रहे हैं, तो अगर ये इतनी ख़राब चीज़ें हैं और इसका इतना नुकसान होता है, तो अल्लाह ने बनाया क्यों? बिल्कुल सही बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, हर किसी को तो मना नहीं कर रहे हैं, ये तो डायबिटीज़ वाले को मना कर रहे हैं, लेकिन हर किसी को एक चीज़ बोल रहे हैं, हर किसी को एक चीज़ ये बोल रहे हैं कि आप कम खाएं, मॉडरेशन। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल तो कम ही खाना था ना, है ना, हदीस में आता है ना मफहूम इसका, एक सबसे बड़ा बर्तन जो भरा जाए वो पेट है। तो अब उन हदीसों को तो हम भूल गए, ठीक है। तो अब ये मॉडरेशन में अगर खा रहे हैं तो सारी चीज़ें अल्लाह की नियमतें, बिल्कुल खाएँ, एक बात, लेकिन साफ़ सुथरा भी खाना होना चाहिए, है ना। तो अब साफ़ सुथरा से मुराद ये नहीं कि आप जो है मिसाल के तौर पर जो वीट है, तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ अल्लाह ना करे कि आप वीट को छोड़ दें बिल्कुल, लेकिन एक बात है जो जहन में रहे कि वीट जेनेटिकली मॉडिफाइड है इस वक्त का, और उसके अंदर बहुत सारे एडिशन डिलीशन हुए हैं, जैसे एमिलोपैक्टिन है, ग्लाइडेन, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये खासतौर से हमारे पास जो आ रहा है वीट, वो ब्लीच्ड आउट होता है इसके अंदर ना, तो क्रोमिन क्रोमिन पिकोलिनेट एक ट्रेस मिनरल है जो आमतौर से होता है, वो इस वक्त के आटे में नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ हमें ये भी जहन में रखी है कि हमें अल्लाह की नियामत तो हैं सारी चीज़ें, है ना, तो लेकिन कभी भी ओवर ईटिंग की तो गुंजाइश कहीं भी नहीं है। तो अगर हम शुरू से एक चीज़ को, अगर इस पैटर्न को लेकर चल रहे हों कि हमारे खाने का अंदाज़ जितना होना चाहिए उतना ही हो, ओवर ईटिंग ना हो, तो हम फिर सब चीज़ें खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, मना नहीं है। ये तो हम एग्रेसिव, देखिए हमेशा ये होता है कि एक प्रोग्राम है एग्रेसिव प्रोग्राम है, और एक है मॉडरेट प्रोग्राम, और एक है गुड एनफ प्रोग्राम। तो गुड एनफ प्रोग्राम जो है ना, वो सबके लिए, उसमें गुंजाइश है सारी चीज़ खाने की। अब आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप लाइफ में चले जाएँ, तो वैसे तो वीट का बहुत कम, तो ज़्यादातर जो बार्ली मिलता है, जौ मिलता है, तो अब लेकिन उसके बावजूद कितना कम खाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब उस हिसाब से खाना चाहे, आजकल मैं कहता हूँ कोई सा भी तकरीबन सारी चीज़ खा सकते हैं, इंक्लूडिंग रिफाइंड भी चीज़ खा सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ने गुंजाइश रखी है हमारी बॉडी में। लेकिन तीन टाइम का खाना बताइए किधर लिखा हुआ है? तीन टाइम का खाना ना मेडिकल में है और ना हदीस में, तो आप वैसे ही मारो जुल्म। देखिए, आप जब भी खाएंगे खाना तो 10 मिनट का होगा, पूरा निज़ाम को आप एक्टिवेट कर रहे होंगे बॉडी में, जो कि उसको आप 3 घंटे के लिए बिजी करेंगे सारी चीज़ों को। फिर जब भी कार्बोहाइड्रेट्स को खाना है, रोटी खा रहे हैं 3 टाइम, कोई कभी ऐसा होता है एक एक बार रोटी खा रहे हैं, एक बार चावल खा रहे हैं, तो हर बार आप चाहे कितना भी अच्छा खाना खा रहे हों, आप पैनक्रियास को इंसुलिन बनाने के लिए मजबूर करेंगे, इंसुलिन बनेगी, बार बार के इंसुलिन बनने से, जब जाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है,